हेलो दोस्तों, मैं आशीष, स्वागत करता हूँ अपने चैनल आरएसए टेक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अपने जियो नेट स्पीड को इनक्रीज कर सकते हो, वो भी कॉल करके। तो दोस्तों, अगर आपका भी जियो नेट स्पीड काफ़ी स्लो चलता है, जब आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो और आपका मूवी बहुत ज़्यादा समय लेता है डाउनलोड होने में, या फिर अगर आप कोई गेम प्ले करते हो या फिर कोई गेम खेलते हो और आपके गेम में लैग हो रहा है जियो नेट स्पीड के कारण, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे ट्रिक के बारे में जिससे आपकी जियो नेट स्पीड तेज़ हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, ये जो ट्रिक है ना, मैंने पर्सनली खुद से यूज़ की है और सच में जो जियो का नेट स्पीड है और वो सच में तेज़ हो गया है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। बट उससे पहले गाइस, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई थी इससे पहले जिसका नाम था हाउ टू इनेबल गूगल प्रॉम्प्ट। अब ये गूगल प्रॉम्प्ट क्या होता है और आप इसे किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, अगर आप नहीं जानते, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को जरूर से देखो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस तरह से आप अपने जियो नेट स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आपको अपने जियो नेट स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको अपने किसी भी फ्रेंड्स के जियो नंबर पर कॉल करना है, और आप जब कॉल कर दोगे तो उस कॉल को कट नहीं करनी है, आपको कॉल को बैकग्राउंड में चलते रहने देना है। और उसके बाद में जब आपका बैकग्राउंड में कॉल चलता रहे, तब आपको कोई मूवी या फिर कोई ऐप जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके डाउनलोड स्टार्ट करनी है। तब आप देखोगे आपका जो इंटरनेट स्पीड है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी जो फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ डाउनलोड होने लगेगी जब आपका कॉल बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी इंटरनेट स्पीड तेज़ हो जाएगी, और ये पर्सनली मैंने खुद यूज़ की है और ये सच में इंटरनेट तेज़ हो जाता है इस ट्रिक से। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनेट है ये कैसे तेज़ हो जाता है कॉल बैकग्राउंड में चलने से, कैसे। तो इससे पहले जानते हैं दोस्तों पहले कि इंटरनेट यानी 2G इंटरनेट के बारे में। 2G में होता ये था कि वहाँ पे जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, अगर वहाँ पे किसी को जब आप कॉल कर दो तो आपका जो इंटरनेट है वो डिसेबल हो जाता था। मतलब ये कि आप 2G में इंटरनेट और कॉल दोनों एक साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे एक ही बैंड काम करता था। अब उसके बाद में आया 3G, फिर 4G, 4G में आया वोल्टे यानी ओवर वॉइस LTE। यहाँ पे दोस्तों आपने ये देखा होगा कि जियो टू जियो कॉल करने पे HD कॉल होता है जियो में, और जियो की जो वॉइस क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटर या अदर कॉल। वहाँ पे जियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉइस क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे दो बैंड काम करते हैं, इंटरनेट के लिए और कॉल के लिए। अब होता ये है कि जब आपका इंटरनेट ऑन रहता है और आप वहीं पे जब आप किसी को कॉल कर देते हो, तो आपका जो इंटरनेट है वो भी कॉल वाले बैंड पे स्विच हो जाता है, जिससे आपका इंटरनेट काफ़ी तेज़ हो जाता है और तेज़ आपकी फाइल को डाउनलोड कर देता है जब आपका कॉल बैकग्राउंड में चलने लगता है। दोस्तों, ऐसा कुछ होता है जब आप बैकग्राउंड में कॉल करके किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हो, जिससे आपकी जो इंटरनेट स्पीड बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस ट्रिक को आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कम ही इस्तेमाल करें, और जब आपको ज़रूरत हो कि किसी भी फाइल को मुझे डाउनलोड करनी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप बैकग्राउंड में कॉल करके किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूजफुल वीडियो।